सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉस, सूप्स एंड स्टॉक्स के बारे में। पिछले कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, कई सारे वीडियोस में मैंने आपको कई सारी बातें भी बता दी हैं, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे स्टॉक, सूप और सॉसेस वगैरह के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे किचन में यूज़ होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। किसी को तो पता ही नहीं होगा स्टॉक होता क्या है, तो बता देता हूँ। स्टॉक होता है कि जो हम वाटर, जैसे हम राइस बनाते हैं तो हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं, तो किचन में हम नॉर्मल वाटर के बदले हम स्टॉक यूज़ करते हैं। अगर हम कोई लिक्विड सब्जी बना रहे हैं जो हम सिमरिंग मेथड पे बनाते हैं, या फिर हम छोले बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं जिसमें लिक्विड यूज़ होना है, तो वहाँ हम लिक्विड के बदले, वाटर के बदले स्टॉक यूज़ करते हैं। अब स्टॉक होता क्या है? स्टॉक हमारा न्यूट्रिशियस फ्लेवरफुल लिक्विड होता है जो हम यूज़ करते हैं। ये काहे से बना होता है? इसमें काफ़ी सारी हर्ब्स होती हैं, वेजीज होते हैं, और अगर ये चिकन स्टॉक होगा तो इसमें चिकन बोन्स वगैरह और ये सब जाता है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली स्टॉक में हम यही पढ़ेंगे कि स्टॉक में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, और हमारा स्टॉक्स न्यूट्रिशियस होता है कि कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स में हमारे कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं। हमारे तीन टाइप के स्टॉक्स होते हैं, वाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक और हमारा फिश स्टॉक, जो मेन है, जो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, वैसे वाइट और ब्राउन है। व्हाइट वाला स्टॉक जो होता है वो हमारा वेजिटेबल स्टॉक होता है नॉर्मली। इसमें हमारे सिर्फ वेजिटेबल्स होते हैं, और हमारा जो भी वेस्ट जो हम किचन में निकालते हैं किसी भी वेजिटेबल में से, वो सब हम स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर में हम थाइम वगैरह, पार्सले वगैरह ये सब डाल देते हैं, फिर इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसके बाद हम इसे बॉईल होने देते हैं काफ़ी टाइम तक। उसके बाद जब हम बॉईल करने के बाद इसे उतारते हैं तो हम इसे सीव करते हैं। सीव करने के बाद जो वाटर निकलता है वो हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वाटर होता है, उसमें हमारा फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राउन स्टॉक की। तो हमारा ब्राउन स्टॉक जो होता है वो होता है हमारा जिसमें हम नॉनवेज भी यूज़ करते हैं। अब वाइट स्टॉक में भी नॉनवेज यूज़ होता है, बट दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ब्राउन स्टॉक में हम जो चिकन बोन्स वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें हम रोस्ट करते हैं, बट वाइट स्टॉक में जो हम चिकन बोन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हम ऐसे ही डाल देते हैं। जैसे अगर हम वाइट चिकन स्टॉक बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे, चिकन बोन्स डालेंगे और उसे बॉईल होने देंगे। बट जब हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो ब्राउन स्टॉक में हम वाइट स्टॉक लेंगे पूरा, जैसे कि हमारा वेजिटेबल्स, वाटर, और फिर हम चिकन बोन्स डालेंगे, बट हम उन्हें रोस्ट करके डालेंगे। जैसे बीफ जाएगा तो बीफ बोन्स को रोस्ट करके डालेंगे। फिश को हम नहीं डालते हैं, फिश का कभी ब्राउन स्टॉक नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम फिश की बोन्स को रोस्ट करेंगे तो वो अवन में ही जल जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती हैं इस वजह से। तो हमारा जो ब्राउन स्टॉक होता है वो हमारा वेजिटेबल्स और ब्राउन रोस्टेड बोन से बनता है। अब बात करते हैं फिश स्टॉक की। तो फिश स्टॉक वो होता है जो हमारा फिश की बोन से बनता है, ये भी वाइट स्टॉक की कैटेगरी में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मली वाटर डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं और फिश की बोन्स डाल देते हैं। ये है, तो मेरे को होता है हमारा रफली कट ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं मेनली, जो होता है हमारा कैरेट, अनियन और सैलरी। इसके बाद बात करते हैं बुके गार्निक की। बुके गार्निक एक बैग होता है मसलिन क्लॉथ में, जो हम सारी हर्ब्स वगैरह डाल के और उसे एक चीज़ क्लॉथ में टाइट करके बांध देते हैं, और उसके बाद फिर उसे किसी भी लिक्विड में छोड़ देते हैं तो वो अपना फ्लेवर छोड़ देता है। तो ये हमारा बुके गार्निक होता है। इसमें हम थाइम, पार्सले और सैलरी ये सब वगैरह डाल देते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ स्टॉक्स की कैटेगरीज की, जैसे कि हमारा रीमोइलेज। तो रीमोइलेज हमारा क्या होता है, रीमोइलेज होता है हमारा जो हमने स्टॉक बना दिया एक बार, उसके बाद जो हमने सीव किया, तो सीव करने के बाद हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो उसमें बोन्स वगैरह बची और वेजिटेबल्स वगैरह बचे, उसका हम क्या करते हैं, उसको अगर हम दोबारा से स्टॉक में यूज़ करें तो उसे हम रीमोइलेज बोलते हैं। जैसे हमने एक बार स्टॉक बनाया, स्टॉक बनाने के बाद हमारे कुछ वेजिटेबल्स बचे, वो वेजिटेबल्स को हमने यूज़ किया दोबारा से एक और स्टॉक बनाने के लिए, तो उसे हमने दम दिया रीमोइलेज। इसके बाद बात करते हैं ब्रॉथ एंड बुलियन। तो ब्रॉथ हमारा फ्लेवरफुल लिक्विड होता है बट ये हमारा थिक होता है, और बुलियन हमारा फ्लेवरफुल लिक्विड होता है बट ये क्लैरिफाइड होता है, यानी कि इसमें हम एग वाइट वगैरह भी डाल देते हैं जिससे ये क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे न्यूट्रिशियस लिक्विड हैं। बुलियन को हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बट ब्रॉथ को नहीं कर सकते, ब्रॉथ एक काइंड ऑफ सॉस की तरह ही जाएगा बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूमे। तो फ्यूमे होता है हमारा प्रिपेयर फ्रॉम फिश, ये मतलब फिश वगैरह से बनता है, फिश फ्यूमे जो हमारा बोलते हैं हम। इसमें हम फिश पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, एक पाउडर आता है वो डाल के और नॉर्मल स्टॉक बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टोफदे। एस्टोफदे होता है हमारा, ये काइंड ऑफ ब्राउन स्टॉक होता है जो हम चिकन को ब्रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमने ब्राउन स्टॉक लिया, उसके बाद हमें ब्रेजिंग करनी है। ब्रेजिंग क्या मेथड होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रीमोइलेज हो गया, फ्यूमे हो गया, ब्रॉथ हो गया, स्टॉफ दे हो गया, कोल्ड
कोड बुलियन, कोड बुलियन होता है हमारा, जो हमारा होता है मेर पोहा, बुके गार्नी, वाटर, सॉल्ट और एसिड लाइक वाइट वाइन या फिर लेमन जूस और ये सब मिला के जो हम बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर लिया, वाटर में हमने कट रफली कट वेजिटेबल्स डाले, फिर बुके गार्नी डाला, फिर उसमें वाटर डाला, सॉल्ट डाला, एसिड, एसिड यहाँ पे काम करेगा वाइट वाइन या फिर विनेगर वगैरह, ये सब हमने ऐड किया और इससे हमने बनाया कोड बुलियन। इसके बाद हम बात करते हैं जूस। जूस हमारा होता है, ये मीट का जूस होता है, जैसे हम जब फूड को रोस्ट करते हैं तो चिकन रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर टाइप मॉइस्चर वो छोड़ देता है, तो वो हमारा निकलता है, वो हमारा जूस होता है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसे हम एज अ सॉस भी सर्व कर सकते हैं जब हम चिकन सर्व करेंगे। फिश स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं सूप पे। स्टॉक तो यहाँ ख़त्म होता है, अब हम बात करते हैं सूप्स की। तो सूप जो होता है हमारा, ये भी हमारा न्यूट्रिशियस लिक्विड होता है जो एज अ कोर्स भी सर्व होता है ओदो पोताज और पोताज सेकेंड में। तो हमारा जो 17 कोर्स मेन्यू है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, उसमें हमारा सेकेंड पे सूप सब होता है। फ्रेंच में हम सूप को पोताज बोलते हैं। हमारा जो सूप होता है वो 4 में क्लासिफाइड होता है, थिन, थिक, कोल्ड और इंटरनेशनल। अब हमारा थिन भी डिवीजन में होता है, जैसे कि पास्ड, अनपास्ड, और हमारा जो थिक होता है वो 5 में डिवाइडेड होता है, जैसे प्योरी, शाउडर्स, वलूते, क्रीम और बेस। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सूप्स की, जैसे कि कंजूमे। कंजूमे जैसे अभी मैंने बताया, ऊपर हमने डिवाइड किया जब सूप को थिन थिक में, तो इसमें कंजूमे आता है। तो कंजूमे हमारा होता है रिचली फ्लेवर्ड क्लियर सूप। ये हमारा मेरपोआ, टोमेटो, एग वाइट, स्टॉक और मिन्स्ड ग्राउंड मीट से बनता है। इसके बाद प्योरी, प्योरी होता है हमारा जो पल्प ऑफ वेजिटेबल, मतलब जैसे हम पूरा पेस्ट बना देते हैं थिक पेस्ट, उसे हम प्योरी बोलते हैं। वलूते होता है हमारा ब्लेंड ऑफ स्टॉक, रू और प्योरी, जिसमें हम प्योरी, रू और स्टॉक को मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिस्क। बिस्क होता है हमारा शेलफिश का सूप, मतलब इसमें हम क्रीम ऑफ राइस यूज़ करते हैं, वाइट वाइन वगैरह यूज़ करते हैं और ज़्यादातर सी फूड जैसे शेलफिश का यूज़ होता है। शाउडर होता है हमारा थिक सूप, जो हमारा बेस्ड होता है टोमेटो पे और मिल्क पे। इसमें हम सी फूड वगैरह भी ऐड करते हैं, पोटैटो, अनियन, पिक और पीसेस ऑफ बेकन। बेकन हमारा पिक का मीट होता है। इसके बाद क्रीम होता है ब्लेंड ऑफ बेसेमल सॉस, बेसेमल सॉस होता है हमारा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और प्योरी ऑफ वेजिटेबल्स। फिर ब्रॉथ है, ब्रॉथ हमारा क्लाउडी सूप होता है, जो मैंने आपको पीछे ही बताया, इसमें हमारा वेजिटेबल्स और मीट, चिकन ये सब जा रखा होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल सूप्स की। कुछ फेमस सूप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेशनल सूप में आता है हमारा मिनस्ट्रोन सूप इटली का, गैसपैचो सूप स्पेन का, मुलुगातवानी, मुलुगातवानी सूप हमारा इंडिया का सबसे फेमस सूप है, और क्लैम शाउडर सूप हमारा अमेरिका का, फ्रेंच अनियन सूप हमारा फ्रांस का, और ग्रीन टर्टल सूप इंग्लैंड का। ऐसे करके हमारे कई सारे सूप्स होते हैं जो फेमस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के। इसके बाद सूप यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब हम बढ़ते हैं सॉस। जो हमारा सॉस होता है, ये हमारा एक आर्ट है जिसे हम खाने की आर्ट बोल सकते हैं। इसमें हम खाने को सर्व करते हैं तो उसके साथ सॉसेस भी सर्व करते हैं। सॉस हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, फ्लेवर एनहांस करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाता है खाने की, और जो हमारा फूड का कंटेंट है उसको भी इंक्रीज कर देता है। जैसे हमने एक पीस सर्व किया, उसके साथ हमने सॉस सर्व किया, तो उससे हमारा जो कंटेंट है वो बढ़ गया, है ना। अब हमारे जो सॉस होते हैं वो भी दो में डिवाइडेड होते हैं, प्रोप्रिएटरी सॉस और मदर सॉस। जो हमारे प्रोप्रिएटरी सॉस होते हैं वो हमारे किचन में नहीं बनते हैं, ये हमारे फैक्ट्री से बन के आते हैं। बात करते हैं मदर सॉसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मदर सॉसेज होते हैं वो 6 में डिवाइडेड हैं, वलूते, हॉलैंडेज, मेयोनेज, स्पैगनोल, बेसेमल और टोमेटो। सो गाइस, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मदर सॉसेज हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसेमल की। बेसेमल को हम वाइट सॉस भी बोलते हैं, और जो हमारा बेसेमल सॉस होता है वो रू और मिल्क से मिलकर बनता है, प्लस इसमें हम स्टड अनियन डालते हैं। स्टड अनियन क्या होता है, जिसमें हम प्याज में लौंग और बे लीफ को एक साथ लगा के और उसे डाल देते हैं। रू कैसे बनाते हैं, रू को हम बनाते हैं फ्लावर और मिल्क को, बटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद। तो ये जब तीन चीज़ें हम मिक्स करते हैं तो इसे हम वाइट सॉस बनाते हैं। अब वाइट सॉस के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सॉस पर्सेल, सॉस मोरने, सॉस सोबीस, ये सब अलग अलग तरीके से बनते हैं। मतलब जैसे हमने पहले बेसेमल लिया, बेसेमल में हमने कुछ ऐड किया तो वो उसका डेरिवेटिव बन गया। अब हम बात करते हैं स्पैगनॉल की। स्पैगनॉल होता है हमारा ब्राउन सॉस, ये हमारा बनता है ब्राउन रू प्लस ब्राउन स्टॉक से। इसके भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे शोथफ्रा, बोर्डलेस और बर्सी, ये सब भी, मतलब इनमें हम जो हमारा स्पैगनोल सॉस है उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसे सर्व करते हैं, तो हम उसे डेरिवेटिव बोलते थे, कि जैसे शोथफ्रा एक डेरिवेटिव है। इसके बाद हम बात करते हैं वलूते। वलूते को हम ब्लॉन्ड सॉस भी बोलते हैं, इसमें हम ब्लॉन्ड रू यूज़ करते हैं और इसके साथ हम स्टॉक यूज़ करते हैं। मतलब ब्लॉन्ड रू और स्टॉक के साथ जो हमारा सॉस बनता है उसे हम वलूते बोलते हैं। अब इसके भी कुछ डेरिवेटिव्स है, जैसे एलिमेंडे और
अरोरे और हमारा सुप्रीम, ये इनमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये इनके डेरिवेटिव हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे कई सारे सॉसेस के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, ये मैं आपको कुछ कुछ नाम बता रहा हूँ बस। अब हम बात करते हैं हॉलैंडेज। हॉलैंडेज होता है हमारा जिसमें हम एग योक, वाटर, लेमन जूस, बटर, विनीगर और ब्लैक पेपर प्लस सॉल्ट, ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करेंगे और इससे हम जो सॉस बनाएंगे उसे हम हॉलैंडेज बोलते हैं। इसके भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे मस्टर्ड सॉस, शेरोन सॉस और बर्नेज। बियरनेज हमारा यूज़ होता है मोस्टली। और इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। जो हमारा हॉलैंडेज सॉस होता है वो फट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए हम रेक्टिफिकेशन करते हैं हॉलैंडेज का। इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये फट जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, इसे थोड़े से हॉट वाटर के साथ बीट कर देते हैं, और अगर ये बहुत थिन है तो हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं। अगर ये तब भी काम ना करे तो हम एग योक लेंगे, उसमें विनेगर ऐड करेंगे, सॉस को हम लिटिल लिटिल ऐड करते रहेंगे और फिर मिक्स करते रहेंगे, तो इससे हमारा हॉलैंडेज सॉस सही हो जाता है। अब बात करते हैं मेयोनीज की। मार्केट में भी मिलता है बट हम इसे किचन में भी बनाते हैं। मेयोनीज जो सॉस होता है बनता है हमारा एग योक, ऑयल, विनेगर और मस्टर्ड प्लस सॉल्ट पेपर, सॉल्ट पाउडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं तो इससे हमारा मेयोनीज सॉस बनता है। मेयोनीज सॉस भी हमारा कर्डल हो जाता है। इसके भी कुछ वैसे डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि चांटली, एंडलेस और कॉकटेल। अब हम इसका बात करते हैं कि अगर ये कर्डल हो जाए तो हम इसे कैसे ठीक करते हैं, रेक्टिफिकेशन यानी कि। तो जब ये कर्डल हो जाता है तो हम इसमें एक गरम चम्मच पानी का डालेंगे, एक गरम पानी का चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। अगर तब भी काम ना करे तो हम एक एग योक लेंगे, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और थोड़ी सी क्रीम, और फिर उसे वापस मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे, या फिर फ्रेश मेयोनीज लेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे इस कर्डल मेयोनीज के साथ। अब हम बात करते हैं टोमेटो सॉस की। तो टोमेटो सॉस हमारा वो होता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें हम टोमेटो प्यूरी, टोमेटो और बहुत सारे जिंजर, गार्लिक, ये सब यूज़ करते हैं। और गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके साथ आज सॉस, सूप और स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा किचन में, और ये हमारा एग्ज़ाम पर्पज़ के व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।